आज आ गया डायमंड हार्बर। ये डायमंड हार्बर है और अभी अभी पहुंचा चाय पीना। ये भी रिवर है, इधर मच्छी बहुत पकड़ा जाता है। हिलसा से शुरू करके सब मच्छी मिलते हैं यहाँ पे। एक छोटा मोटा टूरिज्म प्लेस है, आप लोग इधर आके दो तीन दिन आराम से रख सकते हैं। ये देखो पीछे अच्छा अच्छा होटल है, मेरे पीछे ही सागरी का होटल। अगर आप लोग कोलकाते में आए हैं तो कभी फिर डायमंड हार्बर विजिट कर सकते हैं। एक्चुअली समुंदर के जो मोहना होता है वो मोहना का मतलब इधर पानी बहुत है, हाई टाइड चल रहा है। तो कल कोलकाता में जो जगह गया, हाँ जो जगह गया था उसी का ही रिवर, ये हुगली रिवर ही है एक, लेकिन एक दूसरा जगह है। यहाँ से बहुत बड़ा बड़ा शिप जाता है, फिशिंग हार्बर भी है आगे, जाएगा तो उधर दिखा सकते हैं। मस्त जगह, ये बस वगैरह चलते रहता है। आगे आगे प्रॉन्स वगैरह जो है, आगे आगे इनका भेरी भी है, प्रॉन्स वगैरह इधर भी होता है। पब्लिक सब आया हुआ है इनके अभी। इधर आने के बाद अंडा टोस्ट भी ऑर्डर किया, बन रहा है। पीछे देखिए तो यह है डायमंड हार्बर का नज़ारा। तो शिप वगैरह सब है, जुटी है, दूर दूर तक नजर आ रहा है इस तरफ, मस्त जगह। मस्त है जगह। फिर उसके बाद ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट ऐसा वाला मिलता है खाने के लिए, ऐसा ऐसा। अब अभी फिर बारिश शुरू हो गया, बारिश बारिश पूरा वाइट सफेद बारिश, पूरा बारिश। Last time, 45 लगते हैं, 45 है।
কম্পিটিশন লাগবে ওই বলে দেবো ব্যালেন্স শীট লাগবে আর ব্যালেন্স শীট না করলে ওই দেখো বান্দা ইদার মাছি পকড়া রে सब जेट्टी है सब जेट्टी जूम करके देखा रहा ये सब जो ये जो बोट है ना इसमें मेरा मच्छी बारिश 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 ये दूर से देख रहे हैं फिर बारिश शुरू हो गया अभी पूरा फिर बारिश एकदम जबरदस्त बारिश ओह माय गॉड माय गॉड पता नहीं हम लोग कैसे जाएंगे अभी इतना बार जान पहचान मिल गए तो अभी हम खाएंगे लंबा बाइक ड्राइव करके आ गए हम अपने इधर है देखो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है अपना अल्लाह बकखाली ये दस बकखाली समुंदर बहुत दूर
समुंदर बहुत दूर है, बहुत दूर। इतना दूर है समुंदर। इधर शाम को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक पानी आ जाता है। इस तरह बना हुआ है। समुंदर बहुत दूर है, सब तैयारी चल रहा है। उधर यहाँ तक पानी आ जाएगा। इधर एक फंडा है, बीच बीच में पानी है। ये देखिए इधर है, हाँ ये जो पानी है, ये पानी को क्रॉस करके फिर वो दूर समुंदर वहाँ तक जाना है। हम जाओ ना, दिस इज द वॉक खाली। वॉक खाली एक प्लेस का नाम समुंदर है। जगह अच्छा है, घूमो। इधर रहने के लिए बहुत होटल्स वगैरह है, बहुत खाली बहुत होटल्स है। दो दिन आराम से रह सकते हैं, फैमिली को लेकर आ सकते हैं। दो दिन आराम से रह सकते हैं, दिन के लिए। उस तरफ है जंगल, झाड़ी झाड़ी एकदम। और इस तरफ समुंदर। इधर शाम को अच्छा लगेगा। और कलकत्ता से ज़्यादा दूर नहीं है, 2 घंटे में आ सकते हैं। चेयर्स, ये चेयर्स में बैठेगा तो फिर पैसा लेते हैं। शाम तक शुरू हो जाएगा यार, फिश फ्राई वगैरह सब मिलता रहेगा। इन लोगों को रोजी रोटी यही है। समुद्र खरीद कर सकते हैं, चाय मिलेगा, एग रोल वगैरह सब मिलता है। इधर सामने एक टेम्पल है, आज पूजा हो रहा है तो ये मंत्र चल रहा है। आज एक पूजा है एक्चुअली। समुद्र का किनारा ये सब चीज मिलने तो है। डाब भी है।
अरे लाल कहाँ ऊपर उठे আহত হয়ে গেছে ডাঙায় এসে এই ওকে সমুদ্রে ছেড়ে দিতাম ওকে ছেড়ে দিতাম রেড ক্রস এ এক মিল গেছে তখন চলো ভাই एक रेड क्रैब्स मिला ऊपर आ गया फिर इसको पकड़ के पानी में छोड़ने के लिए जा रहे हैं ये जो बोट दिखाई दे रहा है ये सब बोट फिशिंग बोट है देखो दूर दूर तक ये सब फिशिंग बोट है लोग निकलेगा जैसे हाई टाइड होगा वो देखो एक शिप भी है इधर ये चैनल है वो दूर इधर भी शिप है कोई बोला चलो